हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षना और आज के इस वीडियो में लेके आओ कि किस तरह आपको अपनी सीए इंटरमीडिएट की जो कोचिंग है वो कैसे डिसाइड करनी है, किस बेसिस पे आपको डिसाइड करनी है और क्या क्या आपको ज़रूरत है उसको डिसाइड करने के लिए। तो दोस्तों चलिए कुछ बातें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा आपकी कोचिंग को डिसाइड करते हुए, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपकी फैकल्टी। तो दोस्तों आपको एकदम ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन सी फैकल्टी है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल से मेरा मतलब उनकी टीचिंग कैसी है, उनके नोट्स कैसे हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, क्या वो रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्या वो पंचुअल है क्लासेस की टाइमिंग्स को लेके। तो दोस्तों सबसे जो पहला पॉइंट है वो होगा आपका फैकल्टी। तो आपको दोस्तों एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी फैकल्टी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। और दोस्तों सेकंड पॉइंट जो अब मैं बात करूंगा वो है आपका टाइमिंग्स को लेके और लोकेशंस को लेके। तो दोस्तों जो टाइमिंग्स और लोकेशंस है, आपको दोस्तों कोई ऐसी क्लासेस सिलेक्ट करनी है जो आपकी ईज़ हो, जो कि कन्वीनियंट हो ट्रैवलिंग के लिए। अगर आपने ज़्यादा दूर वाली क्लासेस सिलेक्ट कर ली, अगर समझो कि आपको क्लासेस जाने के लिए 1 आवर लगता है, तो दोस्तों ऐसे आपके दिन में 2 घंटे दोस्तों ट्रैवलिंग में वेस्ट हो जाएंगे और जो आपकी एनर्जी लॉस होगी वो अलग से। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि कोई आप ऐसी क्लासेस चूज़ करिए जो अच्छी भी हो और आपके घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी हो, आप मतलब ऑन एन एवरेज आधे घंटे में वहाँ क्लासेस से पहुँच सकते हो। अगर दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है और आप चाहो कि आप अगर ट्रैवल कर सकते हो, आप पूरी कैपेबिलिटी है, आपको अच्छी कोचिंग मिल रही है, अगर आप दूर जाओगे तो दोस्तों आप लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो आपके अनुसार। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइमिंग्स। तो दोस्तों आपकी क्लासेस की, आप कोचिंग की टाइमिंग उस तरह से होनी चाहिए जो आपके कॉलेज को क्लैश ना करे। मैं जानता हूँ बहुत सारी कोचिंग की टाइमिंग्स कॉलेज से क्लैश तो होती है नहीं, बट दोस्तों फिर भी आपको ऐसी कोचिंग ढूंढनी जो आपके कॉलेज की टाइमिंग के साथ कभी क्लैश ना हो। और अगर क्लैश हो भी तो आपकी कोचिंग को अरेंजमेंट करके रखी कि अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो जाए तो वापस एक रिविजन लेक्चर नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। और दोस्तों जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा आपका मार्केट वैल्यू। दोस्तों ये बहुत ही मतलब बहुत अजीब टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, बट दोस्तों हाँ, आपको कोई ऐसी क्लासेस लेनी चाहिए जो आपके सीनियर्स हो, वो क्लासेस में पढ़े हुए हो, या फिर कोई आपके सर जो आपको पढ़ाने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए वो आपके सीनियर्स को पढ़ा चुके हो। आपको सबकी गाइडेंस लेनी चाहिए कि किस तरह आपके सीनियर्स आपसे अप्रोच कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि ये प्रोफेसर ऐसे है वैसे है, क्या आपकी क्लासेस आपके लिए अच्छी है, क्या क्लासेस में रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, क्या स्टूडेंट फीडबैक यहाँ पे है, क्या आप अप्रोच कर सकते हो प्रोफेसर्स को, क्या प्रोफेसर स्टूडेंट फ्रेंडली है, वो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको अपनी क्लासेस का सिलेक्शन करना है। और दोस्तों सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप किस तरह की कोचिंग ले रहे हैं, मतलब आप दोनों ग्रुप की कोचिंग ले रहे हैं, या आप एक ग्रुप की कोचिंग ले रहे हैं, या आप सेकेंड ग्रुप की कोचिंग ले रहे हैं, या आप सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे हैं, वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग का डिसीजन लेना है। और दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप अपनी कोचिंग ऐसी लीजिए जो आपके ज़्यादा फ्रेंड्स जो आपके साथ सालों से है उनके साथ आप मत लीजिए कोचिंग। मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने वही फ्रेंड्स के साथ कोचिंग लेंगे तो आपका वही क्लासेस में वही माहौल होगा मस्ती वाला, जैसा आप समझ रहे हो मस्ती करेंगे हम, जैसे हम 11th 12th सीपीटी में करते आ रहे हैं, दोस्तों वैसा नहीं करना है। और आपको थोड़ा डेडिकेशन के साथ अपने सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस लें। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सीए इंटरमीडिएट की जो क्लासेस होगी, अगर मैं बोथ ग्रुप्स की बात करूँ तो ये 6, 7 या 8 मंथ्स तक चलती है। ठीक है, 6, 7, 8 मंथ्स में कंटिन्यूसली क्लासेस ऑन एन एवरेज 6 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक तो चलेगी। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस ऐसी भी हैं जो लेकर 12 से 9 बजे तक कंटिन्यूस लेक्चर्स होते हैं। तो दोस्तों ये हाँ, आपका भी मैक्सिमम टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन 6-7 महीनों में, वो है क्लासेस के पीछे। और दोस्तों अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में ले रहे हो तो भी ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट को 40 से 45 आवर्स लगते ही है कंप्लीट होने में। तो दोस्तों ये हो गई बात आपकी सीए इंटरमीडिएट कोचिंग को लेके। और दोस्तों मैं इतना भी ये भी कहना चाहूँगा कि आप ऐसी कोचिंग लीजिए जहाँ आप भी कंफर्टेबल हो, जहाँ आपके थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी हो, सब फ्रेंड्स ही थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी हो, जहाँ आप इंटरेक्ट कर पाए। क्लासेस थोड़ी ऐसी लीजिएगा जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हो। हाँ मैं जानता हूँ बड़े बड़े क्लासेस में 100, 200, 300 लोग होते हैं, बट दोस्तों आपको कुछ छोटी छोटी क्लासेस भी ऐसी मिल जाएंगी जो अच्छा पढ़ाते हो, जगह क्राउड बहुत कम हो बट बेस्ट हो, क्वालिटी में अच्छी हो, क्वांटिटी अच्छी होना ज़रूरी बात थोड़ी ना। तो दोस्तों यही बात हो गई अपने सीए इंटरमीडिएट कोचिंग को डिसाइड करते हुए। अब मैं बात करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि एक्सपेंसिव हो सकते हैं सीए इंटरमीडिएट सीआईबीसीसी की क्लासेस। अगर आप दोनों ग्रुप्स लेने की ट्राई कर रहे थे तो ऑन एन एवरेज 60K से लेके 85,000 तक के बीच में पड़ता है सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके। तो दोस्तों अगर आप ना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर नहीं कर पाते तो आपको मैं बेस्ट अल्टरनेटिव ही बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों इंडिविजुअल सब्जेक्ट से आने में बताऊंगा, तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स को लेके। दोस्तों अकाउंट्स में यहाँ पे है ना, अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो अकाउंट्स के 2 सब्जेक्ट्स है सीए इंटरमीडिएट में, जो पेपर नंबर 1 वो है अकाउंट्स, पेपर नंबर 5 जो है एडवांस अकाउंट्स।
तो पेपर नंबर वन आपका एडवांस अकाउंट दोनों मिला के हो जाएगा 200 मार्क्स। अब इन 200 मार्क्स के लिए अगर आप चाहो तो क्लासेस ले सकते हो, या फिर आप चाहो ना सर तो यूट्यूब पे ना आपको हर एक चैप्टर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बड़े बड़े प्रोफेसर आके आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल के समझाते पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। तो अगर आप चाहो, अगर आप में इतनी सिंसियरिटी है, तो आप एडवांस अकाउंट्स यूट्यूब पे देख के वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सर सेकेंड जो है पेपर आपका लॉ। दोस्तों लॉ जो ये पेपर है ना सर, वो आप खुद से भी कर सकते हो, पूरा थियरी है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस में आना, तो आप ये लॉ सब्जेक्ट खुद से भी कर सकते हो। लॉ को लेके भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, जैसे दर्शन खात्रे सर, सर इन जो भी मैं चैनल्स का नाम ले रहा हूँ ना, उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दर्शन खात्रे सर वो बहुत अच्छे लॉ के लिए उनका यूट्यूब पे वो वीडियोस भी अपलोड करते हैं लॉ से रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जो पेपर है वो होगा आपका कॉस्टिक। तो ये कॉस्टिंग, ये मैं सी इंटरमीडिएट के वाले बता रहा हूँ, जो 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आप IPCC में, तो आपका कॉस्टिंग का पेपर होगा 60 मार्क्स और FM होगा 40 मार्क्स। तो दोस्तों कॉस्टिंग के लिए आपको ना क्लासेस तो लेना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए एकदम नया नया, आपने कभी पहले ये सब्जेक्ट को कभी पढ़ा ही नहीं है। तो कॉस्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई तो ऐसी वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए, या सैटेलाइट लेक्चर्स ले लीजिए, या पेन ड्राइव लेक्चर्स ले लीजिए, जो आपके कॉस्टिंग में हेल्प करे। या फिर आप कोई क्लासेस में जाके सिर्फ कॉस्टिंग के लेक्चर्स के लिए भी अपने आपको एनरोल करवा सकते हैं। तो कॉस्टिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लासेस ले ही लीजिए। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट जो है DT IDT। तो दोस्तों DT IDT में लेके आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सर। DT के लिए तो आपको क्लासेस लेना ही पड़ेगा। क्लासेस कौन सा क्लासेस, चाहे तो आप एक वर्चुअल क्लासेस ले सकते हो, जहाँ पे आपके घर पे पेन ड्राइव आ जाएगी, या फिर ऑनलाइन आप स्ट्रीम कर सकते हो, या फिर आप कोई भी क्लासेस में जाके DT की लेक्चर्स ले सकते हो। अब तो आप जानते हो कि फोर्थ पेपर आपका टैक्स है, उसमें आपका DT होता है 50 या 60 मार्क्स का और IDT होता है 40 मार्क्स का। तो दोस्तों आप कैसे करना है, DT का जो ये सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले आपको DT सर CA नीरज अरोरा करके उनके क्लासेस चलते हैं DT को लेके ऑनलाइन, जिसकी कीमत है अराउंड 4500 लेके। तो आप दोस्तों DT के लिए वो क्लासेस ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे महंगे क्लासेस। और अगर दोस्तों आप चाहो तो DT कोई भी क्लासेस में जाके ले सकते हो। तो ये हो गई DT के बाद। उसके बाद बात करते हैं IDT। दोस्तों आपको IDT के लिए वापस आपको क्लासेस लेना ही पड़ेगा। और IDT के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्लासेस में जाके IDT के लिए एनरोल करवा सकते हो। या सर यहाँ पे आपके पास दो अल्टरनेटिव है, यहाँ पे एक तो नीरज अरोरा सर है जो आपको IDT पढ़ा देंगे 4000 रुपीज़ लेके, या फिर एक विनीत मिश्रा करके उनका चैनल नेम है CA ड्रीमर्स एवेंजर। तो दोस्तों इनके यहाँ पे आपको मिल जाएगी GST की सारी, पूरा GST की सारी फ्री वीडियोस अपलोडेड है, आप चाहे तो वहाँ से भी GST पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको CA नीरज अरोरा की वीडियोस लेनी है DT IDT के लिए, या DT के लिए तो आपको CA नीरज अरोरा कंसल्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर है। उसके बाद हम बात करेंगे IDT को लेके, तो आप CA नीरज अरोरा या विनीत मिश्रा CA ड्रीमर्स एवेंजर करके उनका चैनल है, वहाँ से आप IDT की वीडियोस जो है GST ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट। जैसे कि मैंने कह दिया था यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल है। उसके बाद में हम बात करते हैं पेपर नंबर 6 जो होगा आपका ऑडिट। तो सर ऑडिट को लेके भी आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेगी, या फिर आपको एनरोल करा सकते हो क्लासेस में जाके। अगर आप समझते हो कि आप केपेबल हो अपने आप को पढ़ सकते हो ऑडिट जो पूरा थियोरी है, तो आप क्लासेस नहीं लोगे तो भी चलेगा। बट यहाँ पे भी नीरज अरोरा सर का एक सुपर 80 करके पैकेज ऑडिट के लिए, आप वो ले लीजिएगा, वो अराउंड 5 to 6K तक पड़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पेपर नंबर 7 जो होगा आपका ITSM। ITSM सर आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हो, आराम से नहीं होगा, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिंसियरिटी इज नीडेड। उसके बाद बात करते हैं पेपर नंबर 8 जो है FM और ECO भी सर आप खुद से आराम से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, FM ECO भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों अभी ये मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ही, कौन सी क्लासेस लेनी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो आपको क्या करना, ऑल्टरनेटिव, ये सारे मैंने इस वीडियो में बता दिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और चलो मैं अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।